Hello students, Chef Academy online classes, class 11, subject chemistry, chapter 4, chemical bonding and molecular structures, and part 4. Today I will discuss resonance. इस structures में resonance का क्या importance है ये हम कुछ study कर रहे हैं. That means, what is resonance? Resonance has क्या? तो रेजोनेंस को जानने के बाद एक स्ट्रक्चर सिद्धांत किया जाए. सपोज दैट ओजोन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन थ्री पार्ट्स है आपका. ऑक्सीजन क्या डबल बॉन्ड हो गया, टू फोर एंड सिक्स. ये आपका टू इलेक्ट्रॉन्स, टू फोर हो गया एंड सिक्स गुड इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स दो इलेक्ट्रॉन का शेयर है, एक डबल बॉन्ड हुआ, इसका आपका क्या कंप्लीट हो गया. ठीक, अब क्या करेंगे, ये कंप्लीट को डोनेट कर दो. इस टाइप के बॉन्ड कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्या इस एटम जो ऑक्सीजन है ये आपका डोनर है, और ऑक्सीजन यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन इस समय जो है ऑक्सीजन यहाँ पर एक्सेप्टर है. ठीक है, इस कंसेप्ट को हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड पे यहाँ शिफ्ट कर दें एंड इस फॉर्म में ये यहाँ निकाल दें इसको डबल बॉन्ड. और ये दोनों का एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, दिस आर दिस, ये दोनों स्ट्रक्चर आपका राइट नहीं है, सब एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाया गया. ठीक है, अब इन दोनों का एक पार्ट बना हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड रेजोनेंस. इसको एक इस तरह से डॉटेड इंडिकेट किया गया. इस टाइप का जब स्ट्रक्चर कहीं बना दिया जाए या देखते मिल रहा है, कहा जाता है रेजोनेंस. एंड इनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन पार्ट आर टू अदर इज नोन एज रेजोनेंस इनर्जी. द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय हाइजेनबर्ग रिगार्डिंग, जिन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट वेरी वेल, अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. कोई भी एक सिंगल जैसे ओजोन है, इसका एक सिंगल फार्मूला आपको होगा लुईस स्ट्रक्चर, इससे कोई उसका कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का जो है वो कभी नॉलेज नहीं दे सकता. एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर बॉन्डिंग एंड नॉट बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन टू डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज. द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑफ ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड. ये जो स्ट्रक्चर आपको किया गया ये बनाया कम्युनिकेट की है, इन दोनों का प्रोसेस का ही बना, इसको हम हाइब्रिड रेजोनेंस करते हैं. एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर कैनोनिकल फॉर्म. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस. इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनाया गया इसी को कहा गया रेजोनेंस. डबल बॉन्ड डबल हेडेड एरो, मतलब ये है यहाँ पर जो एरो लगा हुआ है दिस आर दिस है डबल हेड होना पर, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारे उस यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको एक अदर फॉर्म में बनाया गया. दैट मीन्स बाय एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है या लेंथ दिया पिकोमीटर्स का, डबल बॉन्ड का वैल्यू है, सिंगल बॉन्ड का इंडिकेट है. जब इसको इस फॉर्म पर रोटेट किया तो देखा गया दोनों की वैल्यू क्या लगभग इक्वल आ जा रहा है. तो इस प्रोसेस को क्या किया एवरेज के फॉर्म, इसको बॉन्ड में इस फॉर्म में इंडिकेट किया, ये कहा कि दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिमिलर है, लगभग इक्वल आए. ठीक है, इससे इस कंसेप्ट को कहा गया रेजोनेंस आयो. तो थ्री स्ट्रक्चर यहाँ गिवन है वन टू थ्री, ए बी सी के फॉर्म है, तो बेस्ट जो स्ट्रक्चर आपका ये होगा. ठीक, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म में फर्स्ट ए या बी, ये दोनों में से आपका कोई भी आपका राइट नहीं है. ठीक है, लेकिन इसमें बनाया गया कंसेप्ट किया गया इन दोनों के फॉर्म में इसमें ये बनाया गया, इसको हाइब्रिड रेजोनेंस या रेजोनेंस हाइब्रिड के नाम दिया गया. ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं सब हमारे क्या एक इमेजिनरी फॉर्म है. सम स्ट्रक्चर जैसे आपका
ओजोन मालिक्यूल्स का एग्रीगेट है, ओजोन मालिक्यूल्स क्या ऑक्सीजन थ्री एटम्स है, तो ऑक्सीजन की पार्ट क्या सिक्स इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स एंड सिक्स टू इलेक्ट्रॉन क्या है शेयर दिखा दिया कि टू इलेक्ट्रॉन का शेयर यानी बॉन्ड के डबल बॉन्ड हो जाएगा टू इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ इसका कंप्लीट हो गया। इसके पास क्या हो गया पहले से आपको था सिक्स टू का यह आपका कंप्लीट हो गया। देखिए अब क्या है लेगुलेंस के फॉर्म में है इसको कभी कभी जो है हम इसको एरो से भी इंडिकेट कर देते हैं और कभी नहीं भी लिखते दोनों के हमारा राइट है ठीक। यहाँ पर इसी को कंसेप्ट को बना दिया एक इस साइड में डबल बॉन्ड का है इस साइड में सिंगल और लास्ट में क्या है डबल और सिंगल कनेक्ट कर दिया और दोनों के फॉर्म इस तरह से इसका इंडिकेट कर दिया। तो ये बनाने का एक मेथड है कि आप कलर का ओजोन वाले उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर आर्बिट्री एंड इमेजिनरी एंड हैव नो फिजिकल रियलिटी सिंस आइदर ऑफ द ओजोन स्ट्रक्चर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी मतलब जेट उसे पाया नहीं गया जो एनालिसिस किया गया एक इमेजिनरी फॉर्म में देख लिया। रेजोनेंस एनर्जी इट मे बी नोटेड दैट रेजोनेंस हाइब्रिड मोर स्टेबल दैन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन अदर वर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड है लोअर एनर्जी दैन एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो ओजोन के फॉर्म में जो फॉर्म था फर्स्ट मेन थर्ड का इसका जो आपका द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग लिस्ट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी सब डिफाइन किया गया इस तरह से। अब इसके बाद कुछ इसका रिलेटिव हेल्थ प्रॉपर्टीज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज दो पॉइंट है द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल फॉर्म एंड रेजोनेटिव फॉर्म डू नॉट हैव एनी रियल इनका कोई रियल में कोई लिस्ट अस्तित्व नहीं दे आर ओनली इमेजिनरी सब क्या है काल्पनिक है इमेजिनरी फॉर्म स्ट्रक्चर गॉट ओनली द रेजोनेंस हाइब्रिड है द रियल इस फॉर्म का जो स्ट्रक्चर इंडिकेट किया है इसको मान ला है रियल फॉर्म ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल्स बिकम इक्वल जो भी ये बॉन्ड लेंथ समझ लीजिए कार्बोनेट का यहां पर दिखाया गया है आपके कार्बोनेट आय सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के फॉर्म में तो बॉन्ड लेंथ की उनके द्वारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन कार्बोनेट आयंस जो इक्वल पाए गए कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर टू टाइप का स्टडी करना है फ्लूइड आर्ट स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस फॉर्म। फ्लूइड आर्ट स्ट्रक्चर क्या है सिंपल उस कंपाउंड का एक पार्ट आप इंडिकेट कीजिए जो भी होगा ये पॉसिबल वन पार्ट। रेजोनेट स्ट्रक्चर क्या है उसको कितना पार्ट पॉसिबल है उसको आपको इंडिकेट करना है। तो जो भी स्ट्रक्चर याद किया गया है सब डिस्कस करके रखा गया तो फर्स्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल्स तो CO2 मॉलिक्यूल्स को क्या है जो आपको दिखाया गया है ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन भाई ऑक्सीजन कार्बन के पास टोटल फोर इलेक्ट्रॉन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का सिक्स इलेक्ट्रॉन इंडिकेट किया हमने ठीक है बॉन्ड का शेयरिंग होना है इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इंडिकेट किया ठीक ये आपका फर्स्ट मान लीजिए स्ट्रक्चर हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्ट्रक्चर कैसे क्या करेंगे तो बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज फॉर्मल चार्ज का यूज किया जा रहा है और फिर इसको ड्रॉ किया जा रहा है इस फॉर्म में है यहाँ पर डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन को क्या किया क्या ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और इसको जो सिंगल बॉन्ड लगा ठीक है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स है टू इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है तो थ्री इलेक्ट्रॉन और शेयर हो गया तो सिक्स तो पहले से था सावधानी से केयरफुल सुनो ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन है हमने थ्री इलेक्ट्रॉन का शेयर करा दिया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइन इलेक्ट्रॉन हो गए जो पॉसिबल नहीं है ये नहीं पॉसिबल है यहाँ एक प्लस चार्ज का प्लस चार्ज का माइनस वन हो गया क्या बचा आपके पास एट इलेक्ट्रॉन
को अपडेट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, इस कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, 2 4 6, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है तो बचे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो क्या होगा, 7 हो गया, 6 वैलेंस था, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया बॉन्ड बन गया, क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, 7। अब इसका अपडेट कंप्लीट नहीं है, क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन राइट, ठीक, इस पर क्या कर लो माइनस राइट कर, तो माइनस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, प्लस 1 कर दिया, क्या हो गया आपको 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रहा स्ट्रक्चर का जो सेकंड जो है डिग्रेडेटिव स्ट्रक्चर, किस तरह से इसको ड्रैग किया जाता है एक्सरसाइज करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सीखो, नेक्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपसे लेने के लिए कितना किसी का इनवर्स कार्बन ट्रिपल बार प्लस, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन इंडिकेट है छोटा, तो यही चीज आपने यहाँ दिखाई दिया, ऑक्सीजन जब कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बार यूज किया है वह प्लस ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर निगेटिव दिया है वहाँ पर सिंगल बार्ड। तो ये कंसेप्ट हम बनाते हैं रेगुलेटिव स्ट्रक्चर, बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये आप नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये, ठीक है। तो जब रेगुलेटिव स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो आप इस तरह से आपको डॉट करना, इस तरह से इसको हर चीज को तैयार करना, ठीक। यस, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन क्या है, यहाँ पर भी हम इसी का यूज करेंगे। अब कंसेप्ट क्या है, कार्बोनेट आयन में 2 चार्ज ऑलरेडी गिवन है, या फिर कार्बन हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन एटम जो है ये नेगेटिव चार्ज है, दिखा दीजिए यहाँ पर, दिखा दीजिए नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन का क्या था 6 इलेक्ट्रॉन, 1 ऐड कर लिया 7 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या शेयर हो गया कार्बन से, ठीक, तो कार्बन प्लस क्या था 4 इलेक्ट्रॉन, 1 शेयर हो गया, क्या हो गया पाइप हो गया, ठीक। यहाँ पे इसके पास 7 6 था, एक गेन कर लिया 7 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी अपडेट कंप्लीट, इसका भी अपडेट कंप्लीट। अब क्या होगा, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास कमी, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर, 2 4 6 5 और एक लेखा शेयर हुआ, ठीक है, ऐसे सबको ये लेखा ये आपका हो गया 2 4 5 6 और एक इसमें ऐड कर ले, तो यही कंसेप्ट आपको क्या करना है, अल्टरनेट करके बन बना, तो ये आपका है नेगेटिव चार्ज इंडिकेट हुआ, अब हमने क्या किया इसको, हमने 1 चार्ज दिया नेगेटिव पार्ट, इसको डबल पार्ट यहाँ से या इस साइड में चलो, इसके कारण हम इस साइड से चले जाते हैं, ऐसे ये सिंगल बार नेगेटिव चार्ज डबल बार हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से जब इधर शिफ्ट हो जाओ या हो गया डबल बार, इस टाइप को कहते हैं रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, ये भी टाइप का क्वेश्चन होता है, ड्रा रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर कार्बोनेट आयन, CO2 आयन, तैयारी करोगे एक्सरसाइज बनाओगे तभी आएगा। यहाँ पर क्या नाइट्रोजन नाइट्रेट ट्रिपल बॉन्ड के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आने की वजह से डबल बॉन्ड के रूप में हो चुका, ठीक। यहाँ पर क्या है, जो भी है सल्फर ऑक्सीजन के इंडिकेटर सब डबल बॉन्ड के इंडिकेटर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, ये आपको इंडिकेट किया है, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी आपके पास बुक्स होगा उसमें डाल दिया गया, आप इस तरह से एक्सरसाइज करें। सर क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रा करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, इफ वी कंसीडर ओनली स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ CO2 एंड देन जो हमको सिंपल फॉर्म का है,
हमारे गुड्स दे आर शुड बी टू कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन है ऑक्सीजन है, जब कार्बन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड इंडिकेटर फर्स्ट स्टेप को देख रहे हैं। द बॉन्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही 121 पिकोमीटर, तो उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दिया गया। हाउ एक्सपेरिमेंटली ईच कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 फाउंड टू बी 115 पिकोमीटर फिट इन बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिस क्वेश्चन एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड समथिंग एंड हेंस CO2 इज कंसीडर्ड एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग थ्री। मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रा किया गया उसमें जो बॉन्ड लेंथ देखा गया पाया गया जो है ये पी वैल्यू है आपका, तो जब अदर इससे ड्रा किया गया और इनका बॉन्ड लेंथ जब स्टडी किया गया देखा गया उसके नियर अबाउट मिल रहा है, लगभग मिल रहा है, ठीक है। यही कंसेप्ट आपका जो डार्क स्ट्रक्चर के फॉर्म में तथा वो रेजोनेंस फॉर्म यही रेजोनेंस फॉर्म, ठीक है। CO2 का जिसे आपको बताया था उसी फॉर्म में है, तो यहाँ क्या एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, तो इस आंसर में क्या करना कि इस चीज़ को आपको पूरा अच्छी तरह बता दीजिए और बॉन्ड लेंथ तो बता दीजिएगा, इसका लेंथ जो है सभी बॉन्ड लेंथ बाय स्क्वायर द यू फाउंड द इक्वल आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट डिफिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर लाइक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम सब जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो शेयर इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता है बॉन्ड बनाने में उसी को नाम दिया गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। एंड अनशेयर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है उसको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग, अदर वर्ड कहते हैं लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है देखो सी एच फोर के अंदर मेथेन कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन आउट ऑफ कार्बन कॉमन फोर हो गया हाइड्रोजन वन हो गया, इसको आपके बोले क्या कीजिए वन इससे हो गया ये आपका, ठीक है। हाइड्रोजन को वन चाहिए इससे वन हो गया, कार्बन को क्या चाहिए फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो शेयरिंग ऑफ दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड दैट वे फोर पार्ट आपका कंप्लीट हो जा रहा है, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ शेयर हो गया या फिर जो बॉन्ड हुआ या बॉन्ड बनाने पर कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है तो शेष इलेक्ट्रॉन है तो देखो दिख में मिल रहा है तो कार्बन के पास फोर इलेक्ट्रॉन है फोर इलेक्ट्रॉन और फोर इलेक्ट्रॉन का एक एक हाइड्रोजन से क्या कर दिया बॉन्ड बना लिया या इसके पास कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन मिला है नहीं ना, ठीक। यही आपको जानना था इसी कंसेप्ट को कहते हैं बॉन्ड या इसको कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो गया और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बात ही खत्म हो गई, इससे हमारा बॉन्ड पेयर हो गया। एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द बॉन्डेड एटम आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको शो करना है CnH3 अमोनिया, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन के अटोमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन 2.5 आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, हमारे 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 हाइड्रोजन एटम क्या प्रेजेंट है यहां पर, ठीक। वन इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया वन वन बॉन्ड हो गया ये आपका बन गया भाई, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो हमने क्या किया वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन तो 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ कंट्रीब्यूट हो गया बॉन्ड बनाने में, तो हमारा बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या यह 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमेनिंग में क्या होता है
पार्ट बन रहा है किसी आइटम से, नहीं हमारे पास कोई आइटम भी नहीं है कि हम बना सकते हैं। ठीक, और भी क्या है कि जब इसका एट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जा रहा है तो यह जो किसी से बॉन्ड नहीं बना है तो उसको क्या करेगा, किसी को दे देगा, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पेयर। ठीक है, इसी कांसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, एक कांसेप्ट और देखो, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का वन ऑक्सीजन वन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का वन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिक्स इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, रिक्वायर्ड कितने की है टू इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रॉन जब रिक्वायर्ड है तो वन इलेक्ट्रॉन साइड में से शेयर हो गया, वन इलेक्ट्रॉन साइड में शेयर हो गया, क्या हो गया ऑक्सीजन के पास एट इलेक्ट्रॉन हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा होगा, इसी कांसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन अदर वर्ड्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसी कांसेप्ट को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेथेन का एग्जाम्पल हो गया, अमोनिया का एग्जाम्पल हमने दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रहा हमारा कांसेप्ट रेजोनेंस के फार्म का, ऐसे इस एक्सरसाइज के माध्यम से इसको बनाइए।